यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क आ रहा है पीछे मुझसे, उनको पता है मैं कौन हूं, मेरा लाइफ कैसा है, आप भी नहीं जानते, उससे अधिक जानता है वो आपको। एक परमेश्वर के जन ने कहा, एक परमेश्वर ही है जो मेरी सारी गलतियां जानता है, और एक परमेश्वर ही है जो सब जानने के बाद भी मुझसे प्रेम करता है। राइट right? मेरे अंदर ड्रॉप का एक डाउट का एक ड्रॉप भी नहीं है कि मैं कभी ये फील करूं कि मैं हूं क्या। जी नहीं, आज से बहुत साल पहले एक बहन देह व्यापार में थी, शी वाज अ प्रोस्टिट्यूट। आप जानते होंगे कि आजकल ये बड़े दुख की बात है कि जो लोग यीशु के साथ संगति करते थे, आज उन लोगों को हम चर्च में भी नहीं देखना चाहते। हाँ ये है, अरे ये आई है, यू नो ये आज का ट्रुथ है। जिन लोगों के साथ यीशु संगति करता था, आज उन लोगों को हम चालीसा में भी नहीं देखना चाहते। अरे यार किससे कौन बात करेगा। आप जानते हैं यीशु के साथ संगति किसकी। मैं उस दिन सोच रहा था कि बहुत सारे लोग सिर्फ क्लीन लोगों से फेलोशिप रखते, कमजोरों से नहीं, जबकि बाइबल बताती है तुम्हारा परमेश्वर कमजोरों, भूले भटकों और अज्ञानियों का महायाचक है, इब्रानियों में लिखा है। आज भी अगर आप में से किसी को भी ये पूछा जाए, आप किसके साथ चर्च में संगति करना पसंद करोगे, मैं सूरज प्रेमानी के साथ। क्यों? अच्छे प्रीचर हैं, आत्मिक जीवन भी उनका अच्छा है, सीखूंगा। पर कितने लोग हैं यहां पर जो ये कहेंगे, अगर यीशु मसीह आए और कहे प्रभु आप किसका संगति करोगे, आप जानते हो वो चर्च के सबसे वीकेस्ट व्यक्ति को पकड़ेगा और उसके साथ बैठेगा। ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेले, हर सवाल पूछे, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, वो ऐसों का परमेश्वर है। इसलिए आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ टाइम उसने अपना बहुत समय उन बारहों के साथ बिताया जो उससे सारा दिन सवाल पूछते थे, और वो कभी भी उनको डिनाई नहीं करता था। राइट तो प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, इस बात को सदैव याद रखें, और कभी इस बात पे शक ना करें। मैं पहले भी कहता था, मैं आज भी कहता हूं, व्हेन यू फॉल, जब भी आप गिरें, सिन बाद में कन्फेस करना, पहले ये कहना मुझे पता है प्रभु अभी भी मेरे साथ है। मैंने उस दिन जूम पे एक मीटिंग ली थी, आई डोंट नो आप में से कितने लोग थे वहां पर। जब आप गिरते हो तो भी आप खुदा के हाथ में ही हो। आप बिलीव करते हो उस चीज में? व्हेन यू फॉल, जब आप गिरते भी हो तो भी आप उसके हाथ में ही गिरते हो। लोग आपको अपनी नजर में गिरा सकते हैं, खुदा कभी भी नहीं। एक बहन देह व्यापार में थी, प्रोस्टिट्यूट थी वो बहन, और आप जानते हैं बहुत कम लोग इनके बीच में मिनिस्ट्री करते हैं आजकल। उस बहन को किसी ने गॉस्पल बताया, वो बदल चुकी, और उस बहन ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग लिखा जो आज हर चर्च में गाया जाता है। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे है इतना। मुझे एक भाई ने बताया था ये गीत एक वेश्या ने लिखा था प्रभु के लिए। आज हर चर्च में गाया जाता है। मेरे पास छोटी सी कलेक्शन है मोबाइल में, मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं उसको चला लेता हूं। उसमें ये भी सॉन्ग है, मैं सुनता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। मुझे अपना जीवन दिखता है कि हम कौन थे, खुदा ने हमसे कैसा प्रेम किया है ना। तो कहिए अपने पास वाले से, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, हाथ मिला के कहिए। अरे टेंशन मत लो, मिला वो कोविड नहीं है उसको भी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, डरते ना आजकल हम लोग बहुत।
लेकिन है हम में फियर, पता है मैंने देखा है। कल मैं चर्च में था, वहां पर मुझे बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग मिलने आए थे जो बहुत एबनॉर्मल थे। क्या थे, क्योंकि कल हम लोगों ने डिलीवरेंस प्रेयर रखी थी वहां पर डिप्रेशन से, तो बहुत बच्चे भी ऐसे आए थे जो एबनॉर्मल थे, जो समझते नहीं थे। दो दो लोग उनको लेकर आए थे, तो मैंने हर एक के ऊपर हाथ रख के कमांडिंग करके प्रेयर की। और मुझे हैरान हो गया मैं, जब मीटिंग पूरी हुई तो मैंने एक भाई को बोला, सैनिटाइजर है क्या आपके पास? मैंने देखा, प्रभु ये डर घुस गया है हमारे अंदर। करना चाहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जानते हैं हमारी रक्षा खुदावन करते हैं। आमीन। हम मीटिंग को 5 मिनट में चालू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक अमेजिंग ट्रुथ से स्टार्ट करना चाहता हूं आज। आप जानते हैं बाइबल की शुरुआत नए नियम में दो अद्भुत लोगों से शुरू होती है, और क्वालिटी देखो इनकी। मेरी दुआ है हम सब में ही आए। आप जानते हैं जब मैरी, जब मरियम जो थी, जब वो यंग थी, द बाइबल सेज फरिश्ता उसके पास आया, एंजल आया, और एंजल ने उसे क्या कहा कि तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है। आप जानते होंगे उसने क्वेश्चन रेज किया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। एक्चुअली उन दोनों वो मैरिड नहीं थी, इंगेज थी, खाली आधी शादी बोलती है इसको। और वो अपने हस्बैंड के साथ कभी भी, जैसे आज ये बात अलग है कि आज की जनरेशन शादी से पहले ही फिजिकल हो जाती है, वो उनमें से नहीं थी। वो जानती थी कि कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। और बाइबल बताती है कि जब उसने एंजल को कहा कि ये कैसे हो सकता है, मेरा तो कुछ भी नहीं है किसी के साथ, तब एंजल उसे कहता है, पवित्र आत्मा तुझ पे उतरेगा और तुझ पर रूहे उल्कदूस की छाया सामर्थ जो है वो तू उसके अंडर में आ जाएगी, उर्दू में ऐसा समझाया गया है, और तुझे एक बेटा पैदा होगा। आप जानते हो सब सुनने के बाद उसने क्या कहा, चलेगा, होने दे। जब उसने ये कहा ना कि ये होने दे, ये वचन के अनुसार हो, आप जानते हो उस वर्ड का मतलब क्या है, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आप जानते हो हमारे समाज में उन बहनों को कैसे देखा जाता है जो मैरिज से पहले ही प्रेग्नेंट हो जाएं? आप तो ये बोलते हो गांव में मार देते, बच्चे के साथ मार देते। मैंने ऐसी स्टोरीज पढ़ी है कि गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर, जब उनको पता चलता है कि हमारी घर की लड़की ने ऐसा किया है, उसे खत्म कर देते। पता तक नहीं चलता किसी को कि इनकी बच्ची थी कि नहीं भी थी। आप जानते हो जब ये चीज मरियम को कही गई, मरियम ने कहा ओके, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, बहन आपका एंगेजमेंट टूट जाएगा, चलेगा, होने दो। और वही आगे चल के आप देखिए एक और एंजल, आप जानते हो बाइबल के पहले न्यू टेस्टामेंट के हस्बैंड वाइफ के पास, दोनों के पास विजिट किया था एंजल ने। अब एक 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 एंजल वहां भी जाता है और आके कहता है, सुन मरियम को रिजेक्ट मत कर, जो उसके अंदर है खुदा की तरफ से। अब ये बंदा क्या कर रहा है, इसने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकता, इसने एक्सेप्ट किया। आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, नया नियम ऐसे लोगों के साथ शुरू होता है जो लोगों के ओपिनियन से बिल्कुल फ्री थे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। मैं चाहता हूं हमारे साथ भी यही हो, हमारे साथ भी ऐसा ही हो। अब हम ये सोचना बंद कर दें कि क्या इमेज है। आप जानते हो न्यू टेस्टामेंट की शुरुआत ऐसे दो लोगों से हुई है जिन्हें बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं थी कि समाज में मेरा नाम क्या है, समाज में मेरी इमेज क्या है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप यहां पर कितने भी मुंडियां हिलाओ, हां सही है सही है, आप कितना भी हिलाओ, पर जब नाम स्पॉइल होता है, मैंने देखता हूं कि लोगों की हालत क्या हो जाती है। कोई उनके लिए अगर रूमर्स फैला दे कि ये बंदा ऐसा है, इसने ऐसा किया है, मैं देखता हूं वो भले ही एक्टिंग करते हैं और सब ठीक है, पक्का आप ठीक हो, अच्छा ठीक हो, इधर आ, क्या ठीक है ठीक है, समझता नहीं क्या तू, एक्चुअली फ्रस्ट्रेशन है लेकिन अब क्या करें, दिखा नहीं सकते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर ए ब्यूटीफुल प्रेयर करते हैं हर दिन, खुदा अब मुझे इससे फ्री कर,
मुझे आजाद कर। बहुत ब्यूटीफुल लाइन यीशु ने नए नियम में कही, मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता, आई डोंट वांट ऑनर। आप बहुत ग्रो करेंगे। कितने लोग सच्ची बताइए, आप डिस्टर्ब होते हो इन चीजों से जब आपको पता चलता है कि मेरे लिए यार क्यों। एक बहन हमारे ऑफिस में प्रेयर करवाने आई थी, उसने कहा दुआ कीजिए। मैंने बोला क्या, हमारा कोई नाम खराब करता है। मैंने कहा इसके लिए आपको बॉदर होता है ये सब चीजें? हाँ यकीन, ऐसे कैसे? मैं हैरान हो जाता हूं जब। आप जानते हैं ये चीज आपको प्रभु के आने के लिए जो तैयारी होती है उसमें बहुत बड़ी रुकावट है, बहुत बड़ी रुकावट है। प्रभु ने कहा ध्यान देना कि अंत के दिनों में तुम्हारा मन कुमार और मतवालेपन और संसार की चिंताओं में कहीं ढीला ना हो जाए। आप जानते हो ये चीज प्रभु ने रैप्चर से रिलेटेड कही थी। चलो मैं आपको दिखाता हूं, मैं चाहता हूं आप खोलो मत, मैं आपको फिर सीधा वर्ड में लेके आऊंगा। पंकज एक वर्ड खोलिए, लूका 22। देखिए ये जीसस, ये यीशु मसीह के शब्द हैं जो उसने कहे। लूका 22 ब्रदर, शायद से ये मती में है। किसको रेफरेंस पता है? ये ध्यान देना कि तुम्हारे मन उस दिन खुमार और मतवालेपन में, किस में बेटा? हाँ लुका 21:34 खोलिए सब लोग। बदर लाइट्स थोड़े बंद कीजिए। देखिए क्या लिखा है, इसलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये लास्ट डेज के लिए लिखा गया है। जब यीशु मसीह अपने आने के बारे में बातें कर रहे थे तब वो कहता है ध्यान देना कि तुम्हारा मन इस जीवन की चिंताओं में। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप सदैव हर एक को खुश नहीं रख सकते। याद रखिए, अगर A.W. Tozer ने कहा समटाइम्स परमेश्वर को खुश करने के लिए लोगों को नाराज करना पड़ता है, आप अगर हर जगह पे हां 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 कर रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है। आपको परमेश्वर नहीं, आपको सिर्फ इस व्यक्ति के साथ संबंध बनाना है, दैट्स इट। मैं नहीं कहता हूं कि हर जगह पे ना कहना है, लेकिन परखना है, हमें जानना है क्या चीजें सही हैं और उसके बारे में हमें हां कहना चाहिए, ठीक है? चलो बोलो पास वाले को, कभी कभी ना बोलना भी जरूरी है। हां अभी आगे वाले को बोलो। बेहतर, आप तो बहुत ना ना करते हो। बिल्कुल करनी भी चाहिए, ना अनॉइंटेड वर्ड है, आपको पता है? कितने लोग ये बात जानते हैं, बाइबल अनॉइंटेड बुक है, उसमें जो कुछ लिखा गया है अनॉइंटेड। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, तुम्हारी बात तो नो इज अनॉइंटेड वर्ड, तो मैं अनॉइंटेड वर्ड बोलता हूं ना। प्रॉब्लम क्या है आपको? चलिए हम वचन में आएंगे। मैं बिलीव करता हूं आज प्रभु हम में से सबसे बात करेंगे, आमीन। आज का टॉपिक है, आज का जो विषय है बहुत ही बेहतरीन है, और आज मैं प्रचार करने वाला हूं डेविल कैन
कैसे एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव माइंड फॉर्म करता है, वो कैसे आपकी जो सोच है वो कंटिन्यू नकारात्मक रखने की कोशिश करता है। और अगर आपको लगता है कि आज मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिसको ऐसा लगता है आपको तो लास्ट तक बैठना चाहिए, क्योंकि इधर ही नेगेटिव हो आप, है ना। मुझे जरूरत नहीं है, आई एम सो पॉजिटिव माइंड, हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति फॉल होता है इसमें। कितने लोग हैं यहां पर, अपना हाथ उठाइए, मैं चाहता हूं इसमें आप हाथ उठाइए, भले मुझे बताइए कि आप सेकंड्स में नेगेटिव हो जाते हो। मैं हूं यहां पर, सब है। उल्टा जिनका हाथ छोटा है ना वो सबसे बड़े, लिख के दे सकता हूं। तो आप सीखो, आज लर्न करो कि कैसे एक व्यक्ति के अंदर डेविल जो है वो एक नेगेटिव माइंड एक उसके अंदर फॉर्म करता है। ठीक है, हम बहुत ही हमेशा की तरह वेल फेमस वर्ड निकालेंगे, हम प्रोवर्ब्स नीति वचन चौथा अध्याय। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 नीति वचन का चौथा अध्याय, यह भजन संहिता के बाद आता है, आप सब खोल लीजिए। और 4:23 यहां लगा लीजिए आप, थोड़ा जल्दी लगाइए। मैं पहले आपके लिए यहां पर पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम एक साथ इसे पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। एंड कीप वॉच ओवर योर हार्ट विथ ऑल केयर सो यू विल हैव लाइफ। ERV है, ये वही है। ओके, ठीक है। अब आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपने बाइबल को वहां छोड़ के अब सब आगे देखें, ध्यान दें। सदैव याद रखें, ये वचन बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति लिख रहा है जो अपने फ्यूचर में बहुत बुरी तरह से बैकस्लाइड हुआ था। जब बाइबल हमसे नहीं छुपाती तो हमें भी चर्च से नहीं छुपाना चाहिए। आप जानते होंगे पुराने जमाने में परमेश्वर ने हर एक इज़राइली को मिस्र से किसी तरह की लेन देन करने के लिए मना किया था। बाइबल में मिस्र सिंबॉलिकल लैंग्वेज में दुनिया कही जाती है, और फेरोन एक शैतान। सब यहीं पर हैं, जो सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। बोलो बाजू वाले को, आप सोने नहीं आए हो। ठीक है, समझने वाले को, हाँ, मेरी सभाओं में सोया न करें प्लीज, मैं आपको उठा दूंगा। एक परमेश्वर के जन ने जानते अपने चर्च में क्या कहा, अगर आप कलीसिया में सिर्फ प्रचार सुनने के लिए आते हैं लेकिन अपने बाजू वाले को कभी प्रेज द लॉर्ड भी नहीं बोलते तो हाथ जोड़ता हूं मेरी कलीसिया में मत आओ। YouTube पे बहुत सरमन से, वहीं सुन लो, किसी और को आने दो, he's a right preacher। तो प्लीज जब आप यहां पर आए तो कैसे आए, अवेक होके, नहीं तो मैं नीचे आके आपको सबके सामने गुड मॉर्निंग बोल के जाऊंगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, यहां पर क्या लिखा गया है, सबसे अधिक, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र। अब ये लिखने वाला कौन है, दाऊद का बेटा सुलेमान। मैं फिर से कह रहा हूं ताकि आप जो सोए थे आप भी समझ पाओ। वचन में लिखा गया है यहां पर कि परमेश्वर ने पुराने जमाने में साफ तौर से कहा था कि मिस्र से किसी तरह की लेन देन मत करना। क्यों, आप जानते होंगे मिस्र एक्चुअली दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और फैरो डेविल को, जैसे हमारा मेमना प्रभु यीशु मसीह है, लैम्पस्टैंड चर्च है, तारे मैन ऑफ गॉड है, परमेश्वर के जन है,
इवन आपने देखा होगा यीशु ने पुराने लॉ को पुरानी दाखरस भी कहा, पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं भरते जिससे मशकें फट जाती है। इट्स अ सिंबॉलिकल लैंग्वेज, ये एक साइन है, चिन्ह है। जैसे पुराने नियम में भी, इवन न्यू टेस्टमेंट में भी आपने देखा होगा कि फरीसियों ने आके कहा, हमें कोई चिन्ह दिखा, हमें कोई साइन दे। आप जानते हो सुलेमान ने एक दिन क्या किया, वो मिस्र गया और एक्चुअली उसको वहां पर घोड़े पसंद आ गए। आप जानते होंगे मिस्र में चैरेट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और ये बंदा वहां पर गया और से चैरेट्स वहां से लिए। चैरेट्स लेके आने के बाद जब ये अपने दरबार में आया और उसके बाद लेन देन चालू की, और आहिस्ते आहिस्ते, मैं आपको कुछ भी नहीं छुपाऊंगा ताकि आप इस बात को समझ पाए, आहिस्ते आहिस्ते ये बंदा वुमेन्स के साथ बिजी हो गया। और अजीब बात ये हुई, इतनी औरतें इतनी वुमेन्स, इवन द बाइबल सेज इस बंदे ने 300 शादियां की और 700 गर्ल्स उसने अपने इंजॉय के लिए रखी, जिन्हें बाइबल में एक वर्ड कहा गया है, रखेलियां। आप पढ़ सकते हो, यहां वहां लिखा है। आपको पता है इतना बैक वो कहां से स्टार्ट हुआ? जस्ट वन थिंग से। इसने मिस्र में एक वुमेन, एक लड़की से शादी कर ली और वो लड़की इसे मूर्ति पूजा में ले गई। आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, इसराइल में एक ऐसा टाइम भी था जब लोग प्रभु को भी मानते थे और मूर्ति पूजा को भी। कहां लिखा है? ये साफ तौर पे नहीं लिखा गया है, लेकिन आप ये पढ़ सकते हो, उन दिनों में ऊंचे स्थान हटाए नहीं गए थे। लोग क्या करते थे, पहाड़ों पे जाके वेदियां बनाते थे, बाल के लिए, इसके लिए, उसके लिए। और आहिस्ते आहिस्ते ये बंदा, आप जानते हो जिस समय में उसने ये बात लिखी थी, उन दिनों में वो बैकस्लाइड नहीं था। नीति वचन लिखने में बहुत टाइम लगा था, प्रोवर्ब्स लिखने में बहुत समय लगे थे। उन दिनों में एक हेल्दी क्रिश्चियन था और हेल्दी जू था, और वो अपने किताब में लिखता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते ये खुद इस बात में फेल हुआ था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लिसन, आप जानते हो सुलेमान ये बात क्यों कहता है, अपने मन की रक्षा कर? एक्चुअली ये जो ट्रांसलेशन है नीचे, मैं इससे एग्री नहीं हूं। मैंने एक ट्रांसलेशन में ऐसा पढ़ा है, तुम्हारे विचार तुम्हारे जिंदगी को आकार देंगे। हाँ, एनएलटी होगा शायद। आप जो सोचते हो, आपको पता है मैं हर संडे किधर ना किधर फोकस के लिए इतना क्यों बोलता हूं? मुझे पता है आपका जो सोच है कल वो आप बनने वाले हो। आपकी जो सोच है ना, कल आप इसे बन जाओगे। मैंने कई लोगों को देखा है जो उनकी सोच है वो वैसे बन जाते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में आप सोचो। किसके बारे में सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अपने बारे में तो कुछ नहीं सोच रहे हो। और याद रखिए, वो इसलिए यहां पर कहता है क्योंकि जीवन का मूल सूत्र, लाइफ जो है वो लीडिंग आपके माइंड में ही आती है। हर मन में आने वाली बात आपके सच नहीं है, हर आपके मन में आने वाली बात जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। हर वो आपके बात जो मन में आती है, जरूरी नहीं है कि वो परमेश्वर बोल रहा है। इसीलिए बाइबल बताती है, जानो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। शैतान आपको धक्का देके कहां नहीं लेके जाएगा, वो आपको ख्याल देगा, बस ओबे आप करेंगे। उसने हवा को फल तोड़ के नहीं दिया और मुंह में डाल दिया कि बाइट कर कर कर, तो गर्गन से मार देगा। ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया, उसने जस्ट उसको थॉट्स दिए, उसको प्रोवोक किया, और बाइबल बताती है दीदी ने वहां से खा लिया। हाँ, खा लिया उसने। आप इससे कितने लोगों ने ये बात देखी कि सिर्फ ख्याल दिए गए? अगर आपने, मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपने अपने जीवन में इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया कि मैं छाती सोचा, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या सोच रही हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ ग्लूमी हो सकती है। कई बार आप देखिए कुछ लोग कितने एक्सट्रीमली हैप्पी होते हैं, कोई, लेकिन कुछ लोग देखिए उनके लिए खुश रहना इट्स अ चैलेंजिंग। क्यों, क्या इश्यू है, किस जगह पे हम छूट गए? क्योंकि हर मन में आने वाली बात को हमने वेलकम की थी, हर मन में। मैं लॉकडाउन में एक हस्बैंड और वाइफ से मिला, अभी 20 21 की बात है, 20 की नहीं 21 की बात है।
एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे पे शक करते, उसे लगता है इसका अफेयर है, उसको लगता है इसका अफेयर है, और वॉचमैन की तरह एक दूसरे को ऑनलाइन देखते रहते हैं कि यू नो जब ये परिवार मुझसे मिलने के लिए आया, उन्होंने कहा ब्रदर मेरे को लगता है ये कुछ खोट है इसके, वो भी चिल्ला उठी तू तो है ही खोटा। महाराष्ट्र परिवार था, तो एक ने कहा ये इसमें खोट है, उसने बोला नहीं ये है ही खोटा ये वो। आपको पता है लास्ट में हम लोग बैठे आराम से और सारी बातें क्लियर की, एक्चुअली दोनों में गड़बड़ नहीं थी। एक ने कहा मैं बाइबल पे हाथ रखने के लिए तैयार हूं, दूसरे का मैं भी रखने के लिए तैयार हूं। फिर आपको पता है लास्ट में बच्चे मरते हैं, मैं इसकी कसम खाती हूं वो बच्चा देख रहा था मैंने क्या किया यार तुम दोनों कुछ भी करो मुझे क्यों बीच में मार रहे हो। बच्चे को उठाया, बच्चे को जोर से पकड़ा, मैं इसकी कसम खाती हूँ भैया मेरा किसी से कुछ भी नहीं है, इनको शक है मुझ पे। हमेशा जब मां के लिए घर से निकलती हूँ पूछते किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई। लास्ट में वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, उसने बोला एक काम करो ऑपरेशन करवा के मेरे अंदर कैमरा डलवा दो, सब पता चल जाएगा आपको कि मैं किधर हूं क्या हूं वगैरह वगैरह। इतने फ्रस्ट्रेट थे वो लोग। फिर बाद में हमने बात की, थॉट्स ख्याल विचार। मैं आने वाले दिनों में अभी एक ब्रदर को ये काम देने वाला हूं, मुझे इसकी बहुत बड़ी पेंटिंग चाहिए। काश हमारे चर्च में कोई पेंटर होता तो मैं आपको बोलता ब्रदर मुझे प्रिंट करके अच्छे से बना के दो, मुझे ये अपने ऑफिस में अपने लिए रखनी है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कई बार कितनी मेंटल बैटल से गुजरता हूं। कई बार जब हमारे सामने चीजें आती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए मेरी बात छोड़ दीजिए, घर की मुर्गी दाल बरोबर होती है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं एक पास्टर की लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। आप काउंसलिंग लेने के लिए मेरे पास आ सकते हैं, हम कहां जाएं? आप हमारे सामने रोते हो, हम किसके सामने रोएं? एक पास्टर की लाइफ में आपको सच कहता हूं, जो भी लोग पास्टरों का मजाक उड़ाते हैं या उन्हें गलत समझते हैं उनके लिए बोलते रहते हैं, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु आपको पास्टर बनाए। आमेन। बहनों आमीन तो बोलो। देखो ये आपसे कितना प्यार करती हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्टली कर्स करना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बींग अ पास्टर ओहो आप सब कुछ खो सकते हो, सेहत परिवार सब कुछ, सब कुछ खो सकते हो आप। मजाक मत समझना, अगर आपको परमेश्वर किसी काम के लिए चुने वो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। यू नो परमेश्वर का नेचर बताया गया है न्यू टेस्टामेंट में, क्या तू नहीं जानता मैं वहां से काटता हूं जहां मैं बोता भी नहीं। दिस इज द नेचर ऑफ गॉड, वो आपसे उम्मीद करता है कि अगर उसने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है, क्या कहा प्रभु ने, पिता उसे छांटता है ताकि वो और फले। जब परमेश्वर आपको सेवकाई दे ब्रदर, आपके लिए जिस दिन मिनिस्ट्री आ जाए उसके बाद आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, स्वयं में मरना। नो अदर वर्क, मोर देन ईटिंग मोर देन ड्रिंकिंग, हर चीज से ज्यादा आपको ढूंढना है मैं कहां पर खत्म हो सकता हूं अपने आप में। ये छोटी बात नहीं है। और अगर आप प्रचारक हैं, बाप रे आपका तो अपने ऊपर कोई राइट ही नहीं है, अब आपको तो चलना ही नहीं है वैसा जैसे आप जी सकते हो, आप खत्म हो गए। एंड आप जानते हो ये सृष्टि सैक्रिफाइस से चलती है। आपके घर में चावल आते हैं ना, कैसे आप तो खा लेते हो, कभी प्रोसेस सुना है इसका, ये बना कैसे? यीशु ने कहा वो दाना नीचे गिरता है, क्रैक होता है और लाइफ आती है। आप जानते हो ये सृष्टि का जो खाना है वो सैक्रिफाइस से मिलता है, एक दाना अपने आप में फूटता है और जिंदगी बाहर आती है। अर्थ सैक्रिफाइस के नियमों से चलती है। आप जो ग्रेन जो खाते हो, आप जो खाना खाते हो, अरे चावल में दाल करी सांबर मिक्स करके खा लेते हो, आता कहां से है वो? क्योंकि एक दाना क्रैक होता है, नीचे गिरता है, फूटता है और उसमें से लाइफ आती है। हम लोग इसको जीवन की तरफ से ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअली है तो ऐसा ना। प्रभु यीशु ने कहा गेहूं का दाना जब तक जमीन पे पड़ के मर नहीं जाता, वो फल नहीं लाता, वो दाना नीचे आता है, क्रैक होता है, लाइफ आती है, तब जाके आपको खाना मिलता है। ये सेम हमारी तरह है कि जब आप प्रभु में आए हो तो आपके लिए मरना जरूरी है। आप बहुत लोग बोलते हैं ब्रदर मरना एक्चुअली है क्या?
स्वयं की इच्छाओं में मरना। आप जरूरतों में कभी नहीं मर सकते, और परमेश्वर ने आपको जरूरतों के लिए, अगर आप क्या ये बोल सकते हो प्रभु अब से मुझे कपड़े की भी जरूरत नहीं है, प्रभु बगैर कपड़े के घूमेगा क्या? कपड़े तो चाहिए ना। आप बोल सकते हो मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे फूड की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं कहेगा कि आप अपनी जरूरतों में खत्म हो। परमेश्वर सदैव चाहता है एक मसीह अपनी ख्वाहिशों में खत्म हो। इसीलिए बाइबल ये नहीं कहती है मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन से तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा। लिखा है वहां, लिखा है जरूरतें, और पहले उसके राज्य की खोज करो और बाकी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। लिखा है वहां पर आवश्यकताएं। परमेश्वर आपकी नीड्स के साथ बाउंड है, आपकी ख्वाहिशों से नहीं। सदैव इस बात को याद रखें। बाइबल मुकद्दस यहां पर कहती है अपने मन की रक्षा करो क्योंकि जीवन इसी में है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं नेगेटिव माइंड कैसे फॉर्म होता है आप में, क्योंकि हम में से भी बहुत लोग हो सकते हैं यहां पर सो नेगेटिव। इनके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक डॉट लगा दूं ना ब्लैक और बोलूं क्या दिखता है? ब्लैक डॉट। इतना बड़ा व्हाइट नहीं दिखेगा। इतना बड़ा बोर्ड है 6 फीट का, दिखता नहीं है तुझे? नहीं, मेरे को डॉट दिखता है, डॉट। कुछ बहने कलीसा में जैसे बैठेंगी ना, एक अच्छी बहन बाजू में बैठी है उसको विश नहीं करेंगी, इसने दुपट्टा नहीं पहना है, अरे इतनी अच्छी बहन वहां पर बैठी हुई है वो नहीं दिखाई देती है, इतना अच्छा सिंपल सोबर होके आई है, इसने दुपट्टा नहीं पहना है। प्रभु के भवन में ऐसे आते नहीं, आते तो नहीं, यही आई है, सिर्फ यही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। क्यों हम इतने नेगेटिव माइंडेड हैं? ट्रेन में कभी कभी सीट नहीं मिलती है इसलिए रोते हो, खड़े होने की जगह तो मिल गई ना। हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिधर भी जाएंगे ना, इनको मैरिज में भी अगर आप बुलाओगे ना उधर बैठे रहेंगे मैरिज में, सब किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से भी नहीं। वी आईपी है ये लोग, बैठे रहेंगे ऐसे आराम से, सबको देखेंगे और बाजू वाले को बोलेंगे अभी तक कोई नहीं आया मिलने, हमारे गोलू की शादी होगी, मैं तो कार्ड नहीं देने वाली। डिसरिस्पेक्ट है ये। तो क्या मारा नहीं है आप? क्या मारा जाओ? उन्होंने आपको कार्ड दिया, आपको इतना नहीं समझ में आता कई बार, वो भी बिजी है, परिवार का मतलब क्या होता है? मेरी बहन का जब शादी था मैंने एक आदमी को कार्ड नहीं दिया था, आपको पता है वो कौन था? खुद को, क्योंकि वो मेरे घर की शादी थी। ये बात सत्य है कि मैं लेट पहुंचा, लेकिन मैंने खुद को नहीं बोला कि अगर मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि परिवार है हम। एक आदमी ने आपको कलीसिया के अंदर हर्ट किया, उसने आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, आपको यही दिखता है बस उसने ऐसा किया था। आप ये नहीं देखते हो कि वो आप आपका प्रभु में उसके साथ क्या संबंध है? सोचिए, आपको क्या लगता है, क्या आप सिद्ध हो मैं सिद्ध हूं? अरे जिनसे आपने दोस्तियां रखी थी, इमोशंस में आके आप करीब चले गए थे, एक टाइम ऐसा आ गया कि आपको पछतावे हुए थे कि मैंने इसके साथ दोस्ती क्यों की, क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पाते कि हर व्यक्ति कमजोरियों से घिरा हुआ है। ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कह सकता है कि ब्रदर अब मैं यीशु की तरह बन गया हूं। आपको पता है एक परमेश्वर के दास ने क्या कहा? जिस व्यक्ति ने ये प्रार्थना करना बंद की है कि मैं यीशु की तरह अब नहीं बनना चाहता, वो घमंडी बन चुका है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो हमें प्रतिदिन करनी पड़ती है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ है, थोड़ा पॉजिटिव बनिए लाइफ के प्रति। याद रखिए शैतान कई बार आपको वो चीजें दिखाएगा मन में जो इनका कोई भी अस्तित्व ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चलो एक बात पूछता हूं, कौन है? हाँ प्रियंका बैठी है। देखो नेगेटिव माइंड तो कैसे वर्क कर रहा है। अभी मैं यहां पर बैठा हूं और प्रचार में चलते 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 मैंने एक्चुअली इसको इस तरह कह दिया, पीछे बैठो थोड़ा, इतना आगे मत बैठा करो। अब अनिवार्य है ऐसी
इस तरह बात करना तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, वो भी पब्लिकली सबके सामने बोल दिया कि पीछे बैठो, इतना आगे मत बैठो। अब हो सकता है ये बहन इस चीज को अपने मन में लेके मेरा कैरेक्टर ही पूरा ऐसा बना दे, ये बंदा रूड है और जीवन भर इस कलीसिया में रहकर भी वो मुझसे बात ना करे। पर क्या मैं ऐसा हूं? आप जानते हो ह्यूमन नेचर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज अ, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इसके साथ। ये फालतू बातें, बकवास बातें जो दुनिया के लोग करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज अ लास्ट इंप्रेशन। क्यों? आप सोचो, इस दुनिया के सबसे नम्र व्यक्ति को अगर आप ये कहते सुने, यीशु मसीह को आप उससे मिलने गए थे और वो प्रचार कर रहा था फरीसियों को, हे सांप के बच्चों, क्या वो ऐसा है? वो उनको डांट रहा था पर वो कितना हम्बल है। ये बकवास बातें, ये गंदी हैरसी बंद कर दीजिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ऐसा होता है कभी कि आप एक व्यक्ति से मिले और आपने उससे एक बार कोई नेगेटिव चीज देखी तो वो हमेशा ऐसा ही रहा? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बुरे से बुरा व्यक्ति बदल सकता है, परमेश्वर उन्हें बदल सकता है, खुदा उन्हें चेंज कर सकता है। चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना है, खराब क्यों ना है, परमेश्वर उन्हें बदल सकता है अगर उन्हें बदलने की विल है तो। ठीक है, अब मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं जिससे नेगेटिव फॉर्म आपके अंदर क्रिएट किया जाता है कि आप हमेशा स्केच में रहो। पहली चीज, सबसे ज्यादा इस दुनिया में नकारात्मक लोग वो होते हैं जो कंपेयर करते हैं लाइफ को। सबसे ज्यादा आपको पता है, मैं प्रेयर करता हूं कि मेरे अंदर से कंपैरिजन निकले। चलो मैं मानता हूं हम सब लुक्स में ठीक एक जैसे नहीं है, ये बात कोई भी मान लेगा। हो सकता है आप एक ऐसी बहन हो जो बहुत अच्छे दिखते हो, आपके लुक्स बहुत अच्छे हैं, आपको प्रभु ने शनिवार को सबत के दिन बनाया और हमें दिख के ऐसा लगता है कि सोमवार को ऐसे ही डाल दिया, चल बेच कुछ नहीं करने वाला वैसे भी है। मेरे एक दोस्त हैं, वो प्रभु में हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि वो खुद को पसंद करते हैं। मैं उनको कभी कभी बोलता हूं, भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, तो बोलते हैं हां ब्रदर शनिवार को ऐसी चीजें बनती हैं। तो मैं बोलता हूं शनिवार को क्यों? क्या सबत का दिन है ना, प्रभु आराम करता है, तो बड़े आराम से उसने मुझे बनाया। तो मेरे साथ एक भाई था, वो भड़क गया, उसने बोला हम लोग को क्या सोमवार को बनाया था? ऐसे ही बना दिया नाक बाग बाग। तो मैंने उसको बोला तू चुप करके बैठ जा यहां पर, हम तो सच में सोमवार को ही बने, इतनी लंबी लाख क्यों है मेरी समझ में नहीं आता। यू नो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे दिखते हैं, उनके लुक्स उनके इंप्रेशंस बहुत अच्छे। लेकिन आप कुछ लोगों को देखिए, मैं किसी को भी नीचे नहीं कर रहा, भाई लोग आप तो मेरे साथ हो ना, है ना, कोई है मेरे साथ जो कह सकता है कि हम एवरेज हैं? हाँ, हाथ ही नहीं उठ रहा किसी का, काहे का एवरेज, मैं भी शनिवार को बनाया गया है। वेरी गुड भाई। अब सुनिए, ये तो दुनिया की सोच है, लेकिन याद रखिए खुदा आपके चेहरे को नहीं देखता, खुदा हम में से हर व्यक्ति के अंदर मसीह देखता है। He see Jesus। याद रखिए, इसाक ने याकूब को ब्लेसिंग याकूब को नहीं दी थी, एक्चुअली उसने एसाव को दी थी। जब उसने एसाव की आवाज निकाली, उसने याकूब में क्या देखा था? एसाव। खुदा आप में आपको नहीं देखता, यीशु मसीह को देखता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सब खूबसूरत हैं भाई लोग, अपन हैंडसम है, यामीन बोलो, कुछ तो करेज दो यार, मुझे भी डिस्करेज कर रहे हो, सब दिख रहे सच्ची में ऐसा है क्या? अरे यस वी आर हैंडसम, मैं बिलीव करता हूं यू आप प्रिंसेस हो और हम पर प्रभु के प्रिंस हैं। आप तो बोलोगे ही बोलोगे, इनमें से कोई नहीं बोलता, मत आना अगले रविवार से इधर। हम कंपेयर करते हैं, अरे वो बहन देखो उसके बाल कितने स्ट्रेट हैं, अपने बाल देखो दो दिन के बाद उधर वापस से खड़े हो जाते हैं। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो किसी से? आप यूनिक हो मेरे भाइयों, आप यूनिक हो अपने आप में। मुझे कभी भी कोई बोलता है ना ब्रदर आपके जैसा कोई नहीं है, मैं बोलता हूं मिलेगा भी नहीं। हाँ मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा परमेश्वर है जिसने हमें बनाया है,
भजन संहिता में दाऊद कहता है, लिसन, भजन संहिता में दाऊद कहता है उसने मुझे बड़े अद्भुत तरीके से रचा है। वो कहता है उसने मेरी मां के पेट में मुझे नोजी दी, मुझे आंखें दी, है ना। परमेश्वर ने हिंदी में क्या लिखा है, जब मैं अपनी मां के पेट में था तब उसने मेरे बेदोल तत्व को देखा। वो मुझसे तब से प्यार करता आया जब मुझे आकार भी नहीं था। आप में से कितने लोगों के बाद जानते हैं आकार तो आपको टाइम लगा बाहर आए, पर परमेश्वर आपको तब से प्यार करता आया है जब आप अस्तित्व में भी नहीं आए। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति से पहले मोहब्बत की। कभी भी किसी से ब्यूटी को लेकर कंपैरिजन मत करो, ये अच्छी दिखती है मैं कम दिखती हूं। ये चीजें आपके अंदर नेगेटिव फॉर्म को क्रिएट करती हैं। ये कई बार आप देखो कि कोई लोग किसकी टेरिटरी फाइनेंशियल बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कम में है। अब मैंने देखा है कुछ लोग बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनका आना जाना कार में है, उनका खाना बहुत अच्छा रहता है। अब कुछ लोग बेचारे पाम तेल यूज करते हैं जो बेचारे होते हैं, कुछ लोग सफोला यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, कुछ लोग रेंटेड। आपको किसी को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ लोग है ना बोलते नहीं है, लेकिन उनका माइंड है ना कंपेयर करता रहता है। ये बड़ा है मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं ये बड़ा। व्हाई, क्यों? सबसे पहले ये बात जानो, अमीरी दुनिया की बातों में नहीं है। बिल्कुल मत देखिए। मैं एक घर में गया था, आप बिलीव कीजिए, क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट और सेकंड एक साथ ज्वाइन रहता है, डुप्लेक्स, ठीक है भाई, डुप्लेक्स में, डुप्लेक्स में गया था। आप जानते हो उस घर के अंदर कितने लोग रहते हैं? आप बिलीव करो इतना बड़ा घर है कि मैंने घूम घूम के लास्ट में कहा कि अब मैं बैठना चाहता हूं। ये घर यहां पर मुंबई में नहीं, बाहर था कहां पर, मैं गया वहां पर, पांच लोग, सात तो कमरे थे खाली, दो हॉल्स थे, इतनी बड़ी टीवी लगी हुई थी मैंने अपने लाइफ में सैमसंग स्टोर में भी नहीं देखी, इतनी बड़ी टीवी लगी हुई थी, और टीवी भी ऐसे गोल, ऐसे फ्लैट्स टीवी थी। मैं वहां पर बैठा था, मैं सोच रहा था यार कितना इनको खुदा ने दिया है, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो परिवार मेरे सामने आके बैठा, पत्नी का मुंह उस तरफ, पति उस तरफ, बच्चे आए बीच में, और जानते हैं उस बच्चे ने मुझे क्या कहा, 23 साल से इनकी नौटंकी बर्दाश्त कर रहा हूं। उसने ऐसे वर्ड्स यूज किए मेरे सामने, मुझे लगा यहां पर झगड़ा हो जाएगा, निकल यहां से। बोला 23 साल से मैं इनकी नौटंकियां देख रहा हूं, एक इतना घर। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे चर्च में एक भाई है यहां पर, मैं उसके घर में गया, आपको पता उसका घर कितना था? हिंदी में कहते हैं शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा घर था। एक्सट्रीमली हैप्पी, इतना खुश था वो घर, इतना हैप्पी था। आप जानते हो गांव के लोग इतने पीसफुल क्यों होते? एटलीस्ट शहर के लोगों से तो कम टेंशन होते हैं, उनको बहुत कम होते। मैं विलेजेस में गया हूं, किसने मेरे को नहीं बोला कि प्रेयर कर, 4 BHK मिले। मैं उसको बोलूंगा ना काका 4 BHK, बोलेगा पहले हमको यह बता 4 BHK होता का है। पहले तो काका आप मॉल बनाओगे, मेरी ये दुआ है। शहर वालों को बोलो तो जोर से आमीन बोलेंगे, ब्रदर आप मॉल बनाओगे, मॉल, शॉपिंग मॉल, हाँ आमीन। गांव वाले को बोलो अंकल आप शॉपिंग मॉल बना गया, बुड़बक शॉपिंग मॉल होता क्या, पहले वह बता। देखा ही नहीं है, कंपैरिजन करेंगे क्या? देखा ही नहीं है। इसलिए जीसस ने बहुत हद तक देखिए एग्जाम्पल्स गांव के लोगों के दिए। उस दिन दो लोग खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा एक छोड़ दिया जाएगा। उसने ये नहीं कहा कि 2 दिन मॉल में काम करते रहेंगे, फिर तो दोनों ही रह जाएंगे वो। बोलो यीशु मसीह की, बोलो मुझे कभी किसी से कंपेयर नहीं करना है, मैं जैसा भी हूं अपने प्रभु के द्वारा आशीषित हूं। सब यहां देखिए, आप जानते हैं जो आपके पास नहीं है वो क्यों नहीं है? क्योंकि प्रभु को पता है अब तक आपको उसकी आवश्यकता नहीं है, और जिस दिन आवश्यकता होगी ट्रस्ट मी जमीन फाड़ के भी वो आपको देगा। yeah.
दाऊद 80s में कहता है, 80s में बोलता है, मुझ पके बाल वाले व्यक्ति ने इज़राइल में एक अद्भुत बात देखी। मुझे लगा वो लाल समुंदर का जिक्र करेगा। जानते हो उसने क्या जिक्र किया? उसने कहा मैंने कभी धर्मी को हाथ फैलाते नहीं देखा। वो कहता है मैंने कभी नहीं देखा एक राइचियस बेगर हो, वो किसी से मांगे, हो ही नहीं सकता। अब जानते हो दाऊद के समय में इज़राइल में एक सिंगल भिखारी नहीं था पूरे इज़राइल में। बाद में आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन दाऊद की जनरेशन में उसकी अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ डेविड, आप जानते हो उसके लाइफ में कोई उसने बैगर नहीं देखा था। इज़राइल में एक व्यक्ति नहीं था जो मांग के खाए कि मुझे दे दो, मेरे घर में कुछ नहीं है। माय गॉड, आप समझ सकते हो बॉम्बे में अगर एक बैगर नहीं मिले, आप यहां से निकलो कि इतने इतने बच्चे भीख मांगते हैं आजकल, इतने इतने भाड़े पे मिलते हैं बच्चे आजकल। इसलिए देखो हमेशा सोए हुए रहते हैं, उनको दवाई दी जाती है वो सोए हुए रहते हैं, और बहुत सारी बहनें अपना बच्चा बता के आपसे भीख मांगती हैं। ये उनके नहीं होते, ये रेंटेड पे मिलते हैं सब, ये बिजनेस बन चुका है आज बॉम्बे में, बहुत फेमस है ये चीजें। हाँ, बेंगलोर में भी हुआ, बच्चे लेते हैं उनको दवाई देते हैं 10-12 घंटा सुलाने की, और एक बहन यहां पर उसको रख के दुकान दुकान पे जाएगी, या भाई लोग जाएंगे और कहेंगे भूखा मर रहा है इसके लिए दो। वो उनके नहीं होते, एक बिजनेस बन चुका है। क्या अमेजिंग बात है, वो कहता है मैंने अपने लाइफ में बैगर नहीं देखा है, मैंने देखा नहीं है कि धर्मी कभी किसी के ऊपर हाथ फैलाए। पहली चीज, कंपेयर करना बंद कर दो, मैं अमीर हूं वो गरीब है, ये अच्छा है वो अच्छा है। नो, परमेश्वर ने हमें जो दिया है हम आशीषित हैं, और वैसे भी हमारी ब्लेसिंग इन चीजों में नहीं है, हमारी ब्लेसिंग हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु हमारी आशीष है। एक मिनट, अब सेकंड थिंग, जिससे आपके अंदर एक नेगेटिव माइंड डेवलप होता है, और वो है डेविल ये नोटिस करता है कि आपके साथ कुछ इंसिडेंट हो और उसको लेकर वो आपको नेगेटिव बनाए। घर में किसी की डेथ हो जाना, जॉब छूट जाना, किसी का बुरा बिहेवियर, किसी के साथ बलाइया की पर वो स्टैंड नहीं हुए। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने बहुतों के साथ अच्छा किया, लेकिन टाइम पे जब उनके साथ कोई स्टैंड नहीं हुआ तो आज उनका वो लवेलेबल नेचर, जो उनका प्रेमी स्वभाव था, वो खो चुके हैं। एंड दे आर एक्सट्रीमली रूड, एक्सट्रीमली। आपको पता है आप वो किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहते। आप उनको बोलोगे ना ये प्रॉब्लम में आया तू सबका हेल्प करता है ना, अरे मेरे को किसी का नहीं करना है। क्यों? अरे सब ऐसे ही है यार, कोई नहीं आता अपने टाइम पे। क्यों, कैसे? मैंने ऐसी बहनों को देखा है जो परमेश्वर से न्यूनेस मांगती है, कुछ नया कर, कुछ नया कर, कुछ नया कर। और मुझे, मैंने सालों से ऐसे भाई बहनों को देखा है जो कई सालों से प्रार्थना करते आए, लॉर्ड डू समथिंग न्यू, कुछ कर, कुछ कर। पर जानते हो परमेश्वर उनकी जिंदगी में मूव ही नहीं हो पाता। उसका मुख्य कारण जानते क्या है? पुराना नहीं छोड़ते ये लोग, पुराने के ऊपर रोना धोना अभी तक बंद नहीं है। यीशु ने कहा मैं नई दाखरस को नई मशकों में भर सकता हूं, पुराने में नहीं। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर एक वचन में ऐसा कहता है कि देखो बीती हुई बातों को विसरा दो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नया करने पर हूं। मैंने मसीह में आने के बाद पहला सॉन्ग, पहला गीत जो मैंने सुना था, जो पहली बार मैं कलीसिया में गया था और मैंने पहला गीत सुना था, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों के बाद सॉन्ग जानते हैं, अगर जानते हैं तो मेरे साथ गाइए इससे दो कुछ सेकंड्स के लिए। बीती बातों को विसरा दे, उन पर क्या रोना, प्रभु करेगा काम नया और तू देखेगा, और तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा। सहन से बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा,
वो गीत गा रहा था, मैं रो रहा था वहां पर, मुझे पता ही नहीं है यीशु कौन है, बट मैं जान गया कुछ दिन के बाद, इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हादसे किसके जीवन में नहीं होते? कौन है यहां पर जो कह सकता है मैं किसी पेन से नहीं गुजरा? हर व्यक्ति गुजरता है, हर व्यक्ति अपने टाइम पे एक बार मेंटली गुजरता है, पर याद रखिए वो आपका बीता हुआ कल है, वो हो चुका है। मैं ये बिलीव करता हूं जब जीसस मरने के बाद, जी उठने के बाद, जब वो हेवन में गया होगा, आपको पता है हेवन एक ऐसी प्लेस है, मैंने एक परमेश्वर के जन से सुनी थी, वहां पर हीलिंग पावर है एटमॉस्फेयर में। वहां पर आपने पढ़ा होगा, वहां पर ऐसे पेड़ हैं जिससे लिखा है नेशंस ठीक होती है, रेवलेशन में लिखा है कि वहां पर ऐसे फल हैं जिससे पूरी नेशन चंगी होती है। आप जानते हो ये अमेजिंग ट्रुथ है कि हेवन ने आज तक जीसस के होल्स को नहीं भरा है। उसे याद है कि ये इवन आइज़ाया में लिखा है, मेरे प्रेमियों के घर में मुझे ये जख्म मिले। लेकिन मैं बिलीव करता हूं कि जीसस ने जिनको मारा उनके लिए वो कुछ मायने ही नहीं रखता कि उन्होंने क्या किया था। इवन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जीसस को क्रूस पे चढ़ाने वाले कौन थे? कौन सी गवर्नमेंट थी? अब पीटर भाई मुझे ये बताइए, पॉल का पहला लेटर किन के लिए था? रोम। आप बिलीव करते हैं यीशु के हत्यारों को पहली बार सेल्वेशन के लिए प्रीच किया गया था कि आओ बचो? कभी भी इस बात को याद रखना, शैतान कई बार आपके लाइफ में होने वाले इंसिडेंट्स को लेके कई बार वो आपको नेगेटिव कर देगा, वो फ्यूचर के प्रति आपके अंदर से उम्मीद निकालना चाहता है। मैं कुछ मिनट अब एक व्यक्ति के बारे में बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप इस पर ध्यान दें। दोनों ही चीजें इस भाई के पास नहीं थी, फिर भी आप देखो उसने क्या किया। मुझे बताइए, यूसुफ के भाइयों ने उसके साथ क्या किया था? मुझे नहीं लगता है कि किसी के परिवार ने भी किसी के साथ इतना बुरा किया होगा। उसके भाइयों ने उसे मारा, एक ही ब्रदर था जो उसके फेवर में था, उसने उनको सजेशन दी कि खत्म मत करो उसको, बस मार दो, भले मारो पर बेच दो, भले इसको सेल कर दो पर मारो मत। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि वो लहू लहान हो गया था, उसे इतना मारा गया, खड्डे में फेंक दिया गया। उसके बाद आप देखिए उसे एक नौकर की तरह रखा गया, हम मुंबई में बोलते हैं झाड़ू फटका लगाने वाला, वैसा व्यक्ति बन गया वो। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर एक एलिगेशन लग गया, एक लड़की ने ऐसे ही चिल्लाया कि मेरे रिस्पेक्ट के ऊपर, मेरे इज्जत के ऊपर से हाथ उठाया वगैरह वगैरह। उधर से जेल में देखो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि जेल से छूटने वालों को जानते क्या बोलता था? बोलो ना मैं निर्दोष हूं। इतना डिस्टर्ब हो गया बेचारा, जेल से छूटने वालों को हाथ पैर जोड़ता था। आप लोग बाहर जा रहे हो ना, हाँ, राजा को बोलो ना मैंने कुछ नहीं किया। उनको भी मैसेज देता था वो। अब आप सोचिए इस आदमी, अगर ये आदमी कंपैरिजन करने के लिए पीछे आए तो उसे क्या मिलेगा? हर तरफ से माइनस में। अरे क्या मस्त बाप के घर में रहता था, किधर से दर्शन देखा उधर से पागल दिन चालू हो गए मेरे। जब ही से ये दर्शन देखा तभी से परेशानियां चालू हो गई। कई लोग है ना कहते हैं ना, जब प्रभु में नहीं थे यार कितना खुश थे, मस्त अशोक अनिल में पिक्चर देखने जाते थे, उधर से आते आते होटल में खाना खाते थे, डीजे पार्टी, उलाला उलाला सब चलता था मेरे लाइफ में। ब्रदर अब ये क्या है, दीन बनो नम्र बनो, दीन बनो नम्र बनो, गलती कर दी माफ करो, क्या ब्रदर क्या लाइफ है ब्रदर। मेरे एक ब्रदर है दिनेश और मैं उनको जानते, बोलते हैं पहले बोला चमत्कार होगा, ये सुन के मैं आया, अभी बोलते दीन बनो नम्र बनो क्षमा करो, धोखा देते हो वेरी वाइस दीन बनो नम्र बनो। इसराइली भी कहते थे ना, क्या हम वहां ठीक नहीं थे, यहां क्यों लाए, अच्छे थे, खाने को मिलता था, पीने को मिलता था, मच्छी मिलती थी, चिकन मिलता था, सब मिलता था, अभी दीन बनो नम्र बनो, दीन बनो नम्र बनो, और कोई प्रचार करता ही नहीं है प्रेमानी। उसने उसके पास क्या था कंपेयर करने के लिए? कुछ भी नहीं था। अच्छा दूसरी चीज, उसके लाइफ में कितने इंसिडेंट थे जिसको वो जो उसको नेगेटिव बना सकते थे,
भाइयों ने मारा, बहन ने गलत एलिगेशन लगा दिया, जेल में था, पर हर बार आप उस व्यक्ति को देखो, आप जानते हो वो व्यक्ति हर समय सकारात्मक पॉजिटिव क्यों बना रहा? फॉर द वन रीजन, वो हमेशा ये नहीं देखता था मैं कहां हूं, वो सदैव ये देखता था मेरे साथ कौन है। आप जानते हो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे औसम बात क्या है? ये न देखो मेरे साथ क्या हुआ था, ये देखो मेरे साथ कौन है। हर बार यूसुफ ने यही देखा, परमेश्वर मेरे साथ है। जेल में प्रभु उसके साथ था, खड्डे में उसके साथ था। कुछ लोग प्रीच करते हैं, ब्रदर ये देखो यूसुफ के साथ क्या हुआ। मैंने बोला भाई कुछ भी नहीं हुआ, भाइयों ने खड्डे में डाला, परमेश्वर ने निकाला। जेल में गया, वहां से प्रभु ने उसको निकाला। घर में नौकरी की, वहां से प्रभु ने उसको उठाया। आप अगर यूसुफ की कहानी को आराम से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा, हर बार शैतान फेल हुआ और परमेश्वर ने उसे हर बार एक विजयी जीवन दिया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी में होने वाली घटनाओं पर ध्यान दे रहे हो कि आप अपने लाइफ में यह देख रहे हो, मेरे लिए मात्र यह काफी है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। लिसन, रुकिए रुकिए रुकिए, आप जानते हैं यूसुफ, भाइयों से मार खाया हुआ व्यक्ति, एलिगेशंस पाया हुआ व्यक्ति, आप कभी आप जानते हो वो ऐसा एक्चुअली क्यों बन गया था कि हर तरह से वो उम्मीदों से भरा हुआ था। अब देखिए, दो मिनट यहां देखिए सब, सोचो आपने एक नया नया काम चालू किया। आप जानते हो आजकल मार्केट में कितनी कंपटीशन है, और अगर आपका धंधा कम है सामने वाले का ज्यादा है, ये तो बड़ा दुखदाई है, बड़ी तकलीफ होती है यार। अगर मेरा भी ना हो और सामने वाला आके कहे ना मेरा भी नहीं है तो हाँ थैंक यू, मतलब मैं पूरा ऐसा नहीं है पूरा, मतलब मुझे मालूम है ना मैं काम कर चुका हूं। एक दिन मैं अपनी शॉप पे बैठा था, मॉर्निंग से मेरे पास कोई कॉल नहीं आया था ऑर्डर के लिए, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मेरे को लगता है कल सैंपल लेकर निकलना पड़ेगा हर एक को बताने के लिए, और मैं सोच रहा था, नंबर देख रहा था, प्लानिंग कर रहा था, कल कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा 500 रुपया इसका रेंट देना है, ये करना है, 15,000 दुकान खोलो नहीं खोलो चालू ही है। दोपहर में एक व्यापारी मुझसे मिलने आया, सूरज भाई कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ यार, काम ही नहीं है। उससे बोला और कितने ऑर्डर आए? मैंने बोला दो। बोला मेरे पास एक भी नहीं है, मेरे को पीस आ गया। यार ये क्या है? मैं घमंड महसूस करने लगा, मेरे पास दो आए। अब आप सोचिए, हम ये न देखें हमारे पास काम क्या है, हम उसके साथ बने रहे जो हमारे काम को बढ़ाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नए नियम की प्रतिज्ञा, पहली प्रतिज्ञा को फिर से पकड़ो, तुम उसका नाम इमैनुअल रखना, जिसका अर्थ है द गॉड इज विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। छोड़ दो इंसिडेंट्स को, छोड़ दो बातों को, उससे बने रहो जो हर चीज में आपको उठाना जानता है, जो आपको ब्लेस करना जानता है। अगर आप उसके साथ बने हुए नहीं हो लेकिन सिर्फ आप चीजों को देखते हो, आई एम रियली वेरी सॉरी, ये मेरी प्रोफेसी नहीं है, ऐसों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने कुछ समझा? कहिए बाजू वाले को, हाथ से सिर्फ आपके साथ नहीं होते, सबके साथ होते। सबके साथ होते। हम ये ईयर में कहां से गुजरे हैं मैं और मेरी फैमिली, ओनली लॉर्ड नोस। घर का सदस्य खोना कोई छोटी बात नहीं होती, और यू नो कभी कभी दुख में से गुजरने के बाद आप ऐसे बन जाते हो कि आप दूसरे के दुख को बड़े अच्छे से समझ लेते हो, बहुत अच्छे से समझ लेते हो।
फिर आपके सामने जब लोग प्रेयर के लिए आते हैं ना, आप ड्यूटी पूरी नहीं करते हो, पिता यीशु के नाम से इसे आशीष दो, आओ दूसरा हो, नो, आपके अंदर बर्डन होता है। कंपैशन इसे ही कहते हैं, सिर्फ दूसरे वाले को महसूस नहीं करना, उस तरह सोचना जिस तरह वो अपने दुखों में सोच रहा है। कंपैशन ये होता है कि आप जिस दुख में हो ना, मैं वहां पर आके वैसा सोचूं जो आप सोच रहे हो। दैट्स कंपैशन। ये एक व्यक्ति को कंपैशन में लेके आता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नया साल शुरू होने वाला है बहुत जल्द, पॉजिटिव बनो और बिलीव करो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको बड़ी आशीष देने वाला है। कितने लोग बिलीव करते हैं? यस यस, हमारे लिए हमारा परमेश्वर बहुत नई चीजें लेके आ रहा है। आइए मेरे पीछे कुछ कन्फेशंस कीजिए। मैं चाहता हूं, मैंने कुछ कन्फेशंस तैयार किए हैं और मुझे आज प्रभु ने कहा सबसे करवाना। अब मैं अपने कलीसिया में बहुत ध्यान दूंगा इस चीज के लिए कि हमारी सोच सकारात्मक बने, हम पॉजिटिव बने। आमीन। कहिए मेरे पीछे, पहली लाइन बोलिए, मैं एक आशीषित व्यक्ति हूं। सेकेंड लाइन अब कहिए, परमेश्वर आने वाले दिनों में मुझे पूरी तरह से अपनी आत्मा से भरेगा। तीसरी लाइन, मैं पांचवा सुसमाचार बनूंगा। पहले मत्ती था, दूसरा मरकुस है, तीसरा लूका है, चौथा यहुन्ना है। अब ऐसे करो, ऐसे करो, बोलो पांचवा मैं हूं। यस, इन जीसस नेम, वी आर द फिफ्थ गॉस्पल। चौथा कन्फेशन, परिवार में एक न छूटेगा, प्रभु सबका उद्धार करेगा। पांचवा कन्फेशन, मैं आशीष पाऊंगा, मैं आशीष बनूंगा। छठवा कन्फेशन, मैं जिनको सुसमाचार बताऊंगा वे सब विश्वास में आएंगे। सातवां और लास्ट कन्फेशन मेरे पीछे कहिए, इससे पहले कि यीशु बादलों पर आए, उससे पहले लोग यीशु को मुझ में देखेंगे। आमीन। यस, भाई ये कैसे होगा? हमेशा की तरह वही वचन, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है, मेरे लोग मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। आइए, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड।